हेलो एवरीवन, माय नेम इज गिनी एंड यू आर वाचिंग अ न्यू वीडियो ऑफ लाडीगर एक्सेसरीज करमपुरा न्यू दिल्ली। और जब बात आती है ना कि क्रेटा के ऑडियो सेटअप की, तो आप बिल्कुल ठीक जगह पे आए हो। जैसे कि ये कार के ओनर आए हुए हैं, ये क्रेटा हमारे पास स्पेशली हिमाचल से आई हुई है और सिर्फ ऑडियो सेटअप होने के लिए आई हुई है। कहते हैं कि ऑडियो सेटअप कराना था जो दिल्ली जाकर आपसे ही कराना था, और वही उन्होंने करा। इवन इस कार के अंदर नेसेसिटीज़ भी नहीं लगाई हम लोगों ने, जहाँ से क्रेटा की स्टार्टिंग की थी, स्टेयरिंग कंट्रोल्स, क्रूज कंट्रोल, सनग्लास होल्डर्स, यहाँ से स्टार्टिंग की थी जब दो साल पहले वीडियोस बनानी शुरू करी थी। इस कार में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो कहते हैं अगर मेरे को ऑडियो सेटअप कराना था तो दिल्ली आकर यहीं पर ही कराना था ऑडियो सेटअप, वही उन्होंने किया है। तो वन ऑफ द बेस्ट सजेशंस जो हम उनको दे सकते थे, जो मार्केट में एट अ टाइम अवेलेबल होते हैं, हमारे पास भी अवेलेबल होते हैं हमेशा, स्टैग आउटस्टैंडिंग, माइंड ब्लोइंग। इसका मिड बेस, इसकी क्लैरिटी, इसकी वॉइस ज़बरदस्त होती है। स्टैग के MLG 65C जो हमने इसके फ्रंट में लगाए हैं, ये इसकी अपर सीरीज़ होती है, और लियो 650 हमने इसके रियर में लगाए हुए हैं जो एंट्री लेवल सीरीज़ होती है। इसको ड्राइव कर रहा है हमारा सर्वन वेगा का 4 चैनल एम्पलीफायर, जो कि बड़ा एक 100 वॉट RMS पर चैनल होता है और बड़ा एक कम्पैक्ट एम्पलीफायर होता है। स्कॉशे की फुल 8 गेज की वायरिंग हमने इसके अंदर की हुई है, प्लस स्पीकर वायर्स हम लोगों ने सर्वन वेगा की लगाई हुई हैं। एक फिटमेंट यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा, और सारी कार को हमने डॉक्टर आर्टिक्स की डैम्पिंग से डैम्प किया हुआ है। जब कार, मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, जब कार हमारे पास इतनी दूर से आती है ना, तो हमारा भी एक पर्सनल एक टच भी उनसे जुड़ जाता है कि यार इतनी दूर से आए हैं, अच्छे से अच्छी क्या चीज़ हम दे सकते हैं वही देंगे। तो पूरी कार को हमने पहले डैम्प किया हुआ है। स्टैग की MLG 65, स्टैग इटली, इटालियन ब्रांड है बट ओरिजिन चाइना ही होता है जहाँ की मैन्युफैक्चरिंग होती है। और ये हमारा आपको स्पीकर, ट्यूटर्स हम लोगों ने इसके ट्यूटर सैश के अंदर ही लगाए हुए हैं। अगर आप अच्छा म्यूजिक सिस्टम चाहते हो ना लगाना, तो डैम्पिंग एक मस्ट प्रोसेस होता है जो आपको पहले करवाना पड़ता है, बिकॉज बिना डैम्पिंग के आपको अच्छी साउंड आएगी नहीं। बिकॉज एक जो उसको पूरी जगह सील चाहिए स्पीकर को बजने के लिए, वो डैम्पिंग से हमें मिलती है। और प्लस जो एक डोर्स में टाइटनेस, और एक होता है ना कि भाई उसकी सॉलिडनेस को बढ़ाने के लिए हमारे को डैम्पिंग करनी पड़ती है। स्टीरियो सर का एंड्रॉयड स्टीरियो था, उन्होंने पुराना ही रिटेन करा हुआ है, मोको कंपनी का लगा हुआ था, अच्छा होता वो भी। 4 चैनल एम्पलीफायर हमारा अंडर द कारपेट लगा हुआ है, सारी वायरिंग्स जो है अंडर द कारपेट की हुई हैं, अंडर द सीट हमारा 4 चैनल एम्पलीफायर सॉरी लगा हुआ है, और अंडर द कारपेट सारी वायरिंग्स हुई हुई हैं। अभी सब कुछ हम आपको इसीलिए हमेशा कोई रॉ कंडीशन में दिखाते हैं, सो दैट आपको पता चल सके कि किस तरीके से काम होता है। और बाकी 3 हमारे डोर पैनल्स बंद हो चुके हैं। बड़ा कंपैक्ट एम्पलीफायर और बड़ा पावरफुल एम्पलीफायर है, और साथ में हमने इसके अंदर एक ऑटो फोल्डेबल साइड मिरर्स भी लगाए हुए हैं, जो इसके ओरिजिनल पैनल्स को कट करके ही लगाए हुए हैं। ये डोर पैनल को हम लोग कट करने के बाद ही लगाते हैं। अगर मैं इसकी कॉस्ट की बात करता हूँ, तो 13,500 रुपये में ऑटो फोल्डेबल साइड मिरर्स हम लोग लगा के देते हैं विद ऑल द वायरिंग, स्विचेज एंड इंस्टॉलेशन। तो कैसी लगी होगी ये वीडियो हमारे को ज़रूर बताना, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।